नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं राग शिवरंजनी में कुछ थोड़ा आलाप आपको बता रहा हूँ कि राग शिवरंजनी में जब हम कोई बंदिश करते हैं तो उसके शुरू में हमें कुछ आलाप का प्रैक्टिस करना होता है, वो किस प्रकार है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में देखें, ध्यान से देखें वीडियो ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और आप भी जब कोई बंदिश करें तो उसके पहले आलाप को गा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो सीधा आपके पास पहुंचे और आप उसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राग शिवरंजनी का आरोह अवरोह और उसके बाद आलाप। जब भी हम आलाप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल चिल्लाएंगे नहीं, बहुत ही मधुरता से स्वर लगाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं राग शिवरंजनी का मुख्य अंग, मुख्य स्वर जो होते हैं हमारे राग में, जिनको सुन करके हम राग को पहचान लेते हैं, वो क्या है। रे गा पा घा पा गा रे सा। ये हमारे मुख्य अंग है। ठीक है, अब आइए आलाप देखते हैं। मैं बहुत ही स्लो में बताऊंगा, आप चाहें तो एक एक सुर उसको आप लिख भी लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये मैं सी शार्प से बता रहा हूं जो आलाप है। हमारा खरच का आलाप है। जब हम शुरू में बंदिश करते हैं तो बीच में शुरू में हम पहले खरच का ही प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा आलाप खरच का करते हैं और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सरे गे सा
और शुरू का जो हमारा आलाप होता है वो जितना हम उसको मीड में ले सके उसको मीड में खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम आलाप लेंगे और उसके बाद में कोई भी हमारा जो बंदिश होगा उसको हम शुरू कर सकते हैं। बंदिश हो जाती है और भी सारी बहुत बंदे हैं, बंदिशें हैं, ठीक है। तो उन सबका आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो आलाप को आप जरूर प्रैक्टिस करें। जितना अच्छा आप आलाप करेंगे उतनी ही आपकी गायकी खूबसूरती होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।